एवरीवन, वेलकम टू वन्नाथ्स इंडिया। आज हम बनाएंगे एक ओटोमन जो कि एक लो सिटिंग फर्नीचर पीस है। इसे मैंने ओल्ड कार टायर से बनाया है। ओटोमन जनरली लिविंग रूम में रखा जाता है, पर हम इसे और कहां कहां प्लेस कर सकते हैं ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। बहुत कम बजट में बनने वाला ये बहुत खूबसूरत फर्नीचर पीस है, तो चलिए सीखते हैं ओटोमन बनाना। मटेरियल के लिए चाहिए हमें पुराने कार के टायर, ट्विस्टेड कॉटन रोप और फेविकॉल ईटेक्स एडहेसिव। सबसे पहले हम बेस तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने स्टेनलेस स्टील के 4 सोफा लेग्स लिए हैं। टायर के नीचे मैंने प्लाई अटैच करवाई है जो कि थोड़ी थिक है, आप 8 mm तक की भी ले सकते हैं। अंदर सिक्योर करवाया है मैंने कीलो से, जिसकी जगह आप स्क्रूज भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। ये एक मजबूत बेस तैयार हो जाता है आगे काम करने के लिए, आगे जो उस पर आपको वर्क करना है उसके लिए। नेक्स्ट मटेरियल है हमारा रोप। यहाँ पे मैंने कॉटन का ट्विस्टेड रोप लिया है और ये मुझे 35-40 meters लगा है इस टायर को लपेटने के लिए। कॉटन का रोप मैं इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि इजीली स्टिक हो जाता है ये टायर से और लो मेंटेनेंस है, ये वॉशेबल होता है। नेक्स्ट मटेरियल है हमारा एडहेसिव, जो कि है फेविकॉल का हीटेक्स एडहेसिव। ये ट्रांसपेरेंट आता है। यहाँ मैंने 200 ml का डब्बा लिया है। इसको हमें मिक्स करना होता है, आप नाइफ से या कोई भी, जैसे मैंने स्केल लिया है इससे आपको उसे खूब मिक्स करना है, फेंटना है लिटरली, और उसको इतना मिक्स करना है कि वो ट्रांसपेरेंट से ट्रांसलूसेंट हो जाए, थोड़ा सा वाइटिश सा हो जाए। हम तभी उसको अप्लाई कर पाएंगे और वो तभी हमारा स्टिकी मटेरियल तैयार होगा आगे काम करने के लिए। सबसे नीचे से हम एडहेसिव लगाना स्टार्ट करेंगे। पूरे उस पर छोटे छोटे पैचेस में हमें एडहेसिव लगाना है और फिर उसके ऊपर हमें रोप को प्लेस करते हुए, हाथ से प्रेस करते हुए उस पर स्टिक करते जाना है। एक बार में हम एक ही पैच करेंगे क्योंकि इस एडहेसिव का ड्राइंग टाइम बहुत फास्ट है, जल्दी सूखता है, इसलिए छोटे छोटे पैचेस में हमें काम करना होगा। जब हम नेक्स्ट राउंड पे आएंगे तो हमें दो रोप के बीच में स्पेस नहीं देना है। अगर दो रोप के बीच में स्पेस आ जाएगा तो वो नीट नहीं दिखेगा, तो इसलिए हमें छोटे छोटे पैचेस में धीरे धीरे रोप को एडजस्ट करते हुए काम करना है। ओटोमन बनाने का ये बहुत ही आसान तरीका है। ये एक रिपीटेटिव प्रोसेस है जिसमें रोप को आपको धीरे धीरे बस टायर पे लपेटते जाना है, स्टिक करते जाना है। यहाँ हमारा रोप वर्क ख़त्म हो गया है और एंड मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है ताकि वो खुले ना। यहाँ मैंने चौक से 8 points मार्क किए हैं जहाँ पे मैं ड्रिल करूँगी। टायर में होल्स में इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं उसमें मेश बना सकूँ। नायलॉन थ्रेड यूज़ करूँगी मैं उसको बनाने के लिए, ताकि उसके ऊपर मैं एक सीट रख सकूँ या गद्दी रख सकूँ। आप चाहे तो उसको कवर कर सकते हैं प्लाई से भी। टायर पे मैंने 8 holes ड्रिल करके बना लिए हैं। अब इनमें मैं नायलॉन की रस्सी डाल के ऑपोजिट होल्स में ये रस्सी डालूंगी और एक जाल की तरह उसे बनाऊंगी।
एंड में उसे गांठ बांध के सिक्योर कर दूंगी। तो लीजिए, हमारा ऑटोमैन कंप्लीट हो गया है, सजाने के लिए रेडी है। हम इसे बालकनी में, विंडो के पास, टेरेस, पोर्च या लिविंग एरिया में भी सजा सकते हैं। डाइनिंग में हम लो सीटिंग अरेंजमेंट के साथ इसको अरेंज कर सकते हैं। ये रूम के कॉर्नर में भी बहुत सुंदर लगता है और हमारे रूम को एक एस्थेटिक लुक देता है। ये बहुत ही लो मेंटेनेंस फर्नीचर पीस है जो आपके रूम की शोभा बढ़ाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।